नमस्कार दोस्तों, डीके छिड़ी होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स और नए नए डिज़ाइन लाता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक नया प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी प्लान शेयर करने की कोशिश ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम हज़ारों प्लान और डिज़ाइन यहाँ पर लाने वाले हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं वो प्लान जो आज हमने आपके लिए लाया है। देखिए दोस्तों, यहाँ स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये वो प्लान है जो आज हमने आपके लिए लाया है। और ये जो नंबर है ये हमारे ऑफिस के नंबर है। अगर आपको प्लान या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो इन नंबरों पर आप कॉल करके हमारी क्या प्रोसेस होती है, क्या फ़ीस होती है, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह जो प्लान है यह ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर है, मतलब जी प्लस वन है। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे रोड है और इस साइड में भी रोड है। और इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं, जैसे प्लॉट की जो दिशा है, प्लॉट की दिशा देखेंगे तो देखिए ये वेस्ट फेसिंग है और ये साउथ फेसिंग है, ये नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, ये ईस्ट फेसिंग है। मतलब जो फ्रंट है हमारा, फ्रंट जो है ईस्ट वेस्ट फेसिंग है और ये जो दूसरा जो रोड है हमारा ये साउथ फेसिंग है। मतलब पश्चिम दक्षिण साइड का ये प्लॉट है, मतलब रोड जो है हमारा पश्चिम दक्षिण मुखी है। तो ये प्लान समझ लेते हैं। देखिए प्लॉट का साइज़ जो है, प्लॉट का साइज़ आप देख लीजिए, देखिए 31 फीट है यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद में देखेंगे तो जो विड्थ है हमारा, विड्थ है 46 फीट 9 इंच, ठीक है। और यह जो मेन रोड है, मेन रोड से हम जैसे ही एंट्री करते हैं तो यह पार्किंग का एरिया हमें मिल रहा है। देखिए पार्किंग का एरिया जो है लगभग 9 फीट 7 इंच है यहाँ से यहाँ तक, ये ओटा छोड़ के, ठीक है। यह जो वरांडा है, यह सीट आउट है, यह काफ़ी बढ़िया है, लगभग 6 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 9 इंच है। देखिए 6 फीट 9 इंच यहाँ से यहाँ तक है और 6 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ तक है। और हम स्टेप्स देखिए यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम स्टेप चढ़ के इस ओटे पे आते हैं। इस ओटे पे आते हैं तो एक लिविंग रूम में एंट्री कर सकते हैं। देखिए यह हमारा लिविंग रूम का मेन डोर है। उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए हम यही है जो ओटा यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा सकते हैं। देखिए जो सीढ़ी है हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से हम यू टर्न मार के हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे। और पार्किंग का एरिया काफ़ी बढ़िया है। देखिए इस साइड में हमने 3 फीट का पैसेज छोड़ दिया है ये साइड में, और लगभग ये पीछे की साइड जो है 2 फीट 3 इंच का पैसेज छोड़ दिया है। और पार्किंग जो है देखिए 13 फीट है यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो हमारी कार है आराम से पार्क हो सकती है। उसके बाजू में देखिए हमारी मोटरसाइकिल भी पार्क हो सकती है। और पिछली साइड जो है देखिए, पीछे की साइड हमने पूरी पैक कर दी है। यहाँ पे हमारी बाउंड्री वॉल है, मतलब यहाँ पे हमने कोई भी जगह नहीं छोड़ी है, इस साइड में जगह छोड़ी है। और ये जो है ये हमारी रोड की साइड है तो इस साइड में भी हमने कुछ जगह छोड़ दी है। तो इस साइड में जो है देखिए, यहाँ पे हमने यूटिलिटी रखा है, यह लगभग 3 फीट 11 इंच, मतलब लगभग 4 फीट का यह यूटिलिटी एरिया छोड़ दिया है। यह जो है यह हमारी प्लॉट की बाउंड्री पर है और यहाँ पर भी कुछ 3 फीट का हमने पैसे छोड़ दिया है। तो स्टेयरकेस जो आप समझ रहे, देखिए स्टेयरकेस के सामने भी 3 फीट की हमारी जगह बच रही है। यहाँ से हम स्टेयर स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए लिविंग रूम का जो साइज़ है हमारा, यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं, लिविंग रूम का साइज़ जो है लगभग 12 फीट 4 इंच यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद में 15 फीट यहाँ से यहाँ तक है। और इसके देखेंगे तो 2 विंडोज रखा है, एक फ्रंट साइड में है और एक इस साइड में है, तो वेंटिलेशन काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, यह हमारा मूविंग एरिया है। यहाँ से हम तो एक तो किचन की तरफ भी जा सकते हैं, टॉयलेट बाथरूम की तरफ भी जा सकते हैं और मास्टर बेडरूम की तरफ भी जा सकते हैं, और ये दूसरा बेडरूम है इस तरफ भी जा सकते हैं। मतलब ये जो एरिया है यह सेंटर में आता है। तो देखिए पहले किचन की तरफ जा रहे हैं, देखिए किचन का साइज़ जो है लगभग 10 फीट 9 इंच है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में 13 फीट 1 इंच है लगभग यहाँ से यहाँ तक, मतलब 12 फीट 4 इंच बाय 10 फीट 8 इंच का हमारा यह, सॉरी 13 फीट 4 इंच बाय 10 फीट 8 इंच का हमारा यह किचन आ रहा है। उसमें देखिए छोटा सा एक डाइनिंग वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। और किचन को देखेंगे तो बाहर या इस साइड में देखेंगे तो लगभग 3 फीट 11 इंच, मतलब 4 फीट का हमने यूटिलिटी एरिया, मतलब वॉश एरिया छोड़ा है। उसके बाद में देखिए चलते हैं इधर,
जनरल टॉयलेट बाथरूम के एरिया में देखिए, जनरल टॉयलेट बाथरूम का एरिया जो है लगभग, बाथरूम का साइज़ पहले देख लेते हैं, लगभग 6 फीट 10 इंच बाय 4 फीट का है, मतलब लगभग 7 बाय 4 का हमारा यह बाथरूम है। उसके बाद में बाजू में जो है डब्ल्यू सी है लगभग 4 फीट बाय 3 फीट का, मतलब 4 बाय 3 का। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कमोड वगैरह, यहाँ पे एक सीट रख सकते हैं, तो इसका भी साइज़ लगभग 4 फीट बाय 3 फीट 11 इंच है। अब यह आप इस साइड में भी रख सकते हैं या तो फिर इसको स्टोरेज का एरिया भी कर सकते हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत ना हो तो। उसके बाद में देखेंगे तो देखिए ये जो स्पेस है ये हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ जा रहा है, जो मास्टर बेडरूम का साइज़ है लगभग 10 फीट 7 इंच बाय 12 फीट का है, मतलब 10 फीट 7 इंच बाय 12 फीट का यह मास्टर बेडरूम है। इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक बढ़िया सा एक विंडो दिया है, क्योंकि इस साइड में हमने 3 फीट का पैसेज छोड़ा है। और यहाँ पर जो रेड कलर में जो क्रॉस दिया है, यहाँ पर हम स्लैब नहीं डालने वाले हैं। और इसको देखेंगे, इस मास्टर बेडरूम का एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया है लगभग 6 फीट बाय 4 फीट का है। और इसको एक देखिए, पीछे वेंटिलेटर है, इस ये सभी टॉयलेट को भी और इस बाथरूम को भी वेंटिलेटर है। इसके बाद में देखेंगे तो एक बेडरूम बचा है हमारा, इस बेडरूम की तरफ चलते हैं। देखिए बेडरूम, इस बेडरूम का साइज़ जो है लगभग 10 10 फीट है, और इसके बाद में 13 फीट 6 इंच लेंथ है, ठीक है। उसको देखेंगे तो 2 फीट 3 इंच का पैसेज इस साइड में हमने छोड़ा है, तो यहाँ पे एक बढ़िया सा एक विंडो दिया है, तो वेंटिलेशन काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। तो इस टाइप में यह ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की प्लान की तरफ। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, जैसे ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ से स्टेयर के जो है हमारी सीढ़ी से आस पर आते हैं, तो यह हमारा ओपन एरिया है, मतलब यहाँ पे हम ऊपर स्लैब नहीं डालने वाले हैं। ये ओपन टेरेस है, मतलब नीचे तो है हमारे ग्राउंड फ्लोर पर, जो पोर्च का स्लैब है वो तो रहेगा ग्राउंड फ्लोर का स्लैब, लेकिन फर्स्ट फ्लोर का स्लैब हम यहाँ पे नहीं डालने वाले, क्योंकि इनका बजट कम है, इसलिए हमने यह स्लैब कम कर दिया है। यह प्लान जो है यह हमारे दोस्त का ही है, जिनका नाम सूर्यकांत घुगे है, हमारे काफ़ी करीबी दोस्त है, उनके लिए हमने यह प्लान बनाया था। उनका बजट कम था, तो उनके बजट के हिसाब से देखिए यहाँ पे हमने यह स्लैब ऊपर का स्लैब कम कर दिया है। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक तो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, इसके बाद में देखेंगे तो ये रेंट के हिसाब से दिया है। फर्स्ट फ्लोर का प्लान जो बनाया था हमने रेंट के हिसाब से बनाया था, तो पहले ये जो फैमिली है इसकी तरफ चलते हैं। देखिए 10 फीट 7 इंच बाय 12 फीट का इसका लिविंग रूम है, ठीक है, 10 फीट 7 इंच बाय 12 फीट का। और उसको बाद में देखेंगे तो पीछे 9 फीट 8 इंच बाय 11 फीट 9 इंच का किचन है, मतलब 9 फीट 8 इंच बाय 11 फीट 9 इंच का यह किचन है। उसके बाद में देखेंगे तो यह पीछे जो है यह डोर है, जो कॉमन जनरल टॉयलेट बाथरूम है इनके लिए, जो टॉयलेट बाथरूम है वह 6 फीट बाय 4 फीट का है, ठीक है। और पीछे देखेंगे तो यह ओपन टेरेस रखा है इनके लिए, इस फैमिली के लिए। और इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए किचन को देखिए, यहाँ पे एक यूटिलिटी पैसेज दिया है, तो 3D वेंटिलेशन में ये आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे ओपन टू स्काई रखा है, मतलब ये डायरेक्टली ओपन रहेगा, ठीक है। और अब दूसरी फैमिली की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरी फैमिली जो है यहाँ से आ जाएगी, तो यहाँ पे ही आएगी, और इसके बाद में यहाँ पे 4 फीट 3 इंच का पैसेज है, यहाँ पे 3 फीट का पैसेज है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आ रहे तो देखिए दूसरी जो फैमिली है जो रेंट के हिसाब से ऊपर रहने वाली है, उनके लिए यह मेन डोर है लिविंग रूम का, 12 फीट 4 इंच बाय 12 फीट का इसका लिविंग रूम का साइज़ आ रहा है। और यहाँ पे बढ़िया सा एक विंडो इसको मिल रहा है, ठीक है, तो वेंटिलेशन काफ़ी बढ़िया है। देखिए फ्रंट में भी एक विंडो हम लगा सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे तो किचन है, किचन का साइज़ जो है 10 फीट बाय 11 फीट 9 इंच का है, मतलब लगभग 10 बाय 11 फीट 9 इंच का हमारा यह किचन है। उसको देखेंगे तो किचन के पीछे एक छोटा सा यूटिलिटी के लिए एरिया दिया है, और 6 फीट बाय 4 फीट का एक WC अटैच टॉयलेट बाथरूम है, ठीक है। तो यह फर्स्ट फ्लोर का प्लान है जो रेंट के हिसाब से था, तो यह काफ़ी बढ़िया प्लान है। दोनों भी प्लान, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का जो प्लान है काफ़ी बढ़िया है। फिर से देख लीजिए, यह ग्राउंड फ्लोर है जो हमारे दोस्त के लिए हमने बनाया था, सूर्यकांत घुगे है, जो मेहकर से बिलोंग करते हैं, बुल्ढाना महाराष्ट्र। और यह फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, इसका 3D वेंटिलेशन हमने बनाया था, वो भी मैं अब शॉर्ट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका जो 3D वेंटिलेशन है यह इस टाइप में बनाया था, तो काफ़ी बढ़िया है। ये कॉर्नर प्लॉट है, देखिए इस साइड में एक रोड है, इस साइड में एक रोड है, ये जो है वेस्ट फेसिंग है, मतलब ये पश्चिम दिशा है, और ये जो है ये साउथ है, मतलब दक्षिण दिशा है।
यहाँ पे देखेंगे तो ये टॉयलेट बाथरूम के लिए विंडोज दिख रहे हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा किचन का यूटिलिटी एरिया आता है नीचे का, और फर्स्ट फ्लोर पे देखेंगे तो जो इधर ये साइड में जो फैमिली रहती है उनके लिए ये यूटिलिटी एरिया आ रहा है, मतलब गैलरी भी आ रही है। और यहाँ पे जो स्टेयरकेस है यहाँ पे एक बढ़िया सा डिज़ाइन बनाया है, यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे भी हमने ग्लास बिठा दिया है क्योंकि इस साइड में भी एक रोड है, तो देखिए रोड से भी फ्रंट में से भी काफ़ी बढ़िया इसको इसका एलिवेशन आ रहा है। यहाँ पे एक विंडो दिया है तो यहाँ से भी वेंटिलेशन मिलने वाला है। इसका 3D फ्लैट एलिवेशन मैं आपको डिटेल में एक नए वीडियो में समझाने वाला हूँ, अभी तो शॉर्ट में मैं समझा। तो देखिए ये इसका फ्रंट साइड है, जो फ्रंट साइड मैंने कहा था कि इनका ऊपर जो है यह जो स्लैब है ऊपर कैंसिल कर दिया है, मतलब कम कर दिया है। देखिए यहाँ पे इतना ही स्लैब हमने लिया है, तो यह जो प्लान है काफ़ी बढ़िया है। ऊपर रेंट के हिसाब से नीचे जो है हम रहेंगे, मतलब जो मेन है मेन फैमिली है जो नीचे रहेगी, और ऊपर जो है दो फैमिली रेंट के हिसाब से रह सकती है। छोटी छोटा छोटी छोटी एरिया मिल रहा है ऊपर की फैमिली को, तो काफ़ी बढ़िया प्लान है। और कंपाउंड वॉल भी देखिए, वॉल कंपाउंड काफ़ी बढ़िया है, एक छोटा सा सिंपल सा डिज़ाइन है। जो हमारा गेट है गेट को भी एक छोटा सा डिज़ाइन दिया है, मतलब बढ़िया सा डिज़ाइन है। यहाँ पे देखेंगे तो वॉल टाइल्स है, और ये हमारा मेन डोर है लिविंग रूम का। तो इस टाइप में ये सिंपल सा प्लान था, आशा करता हूँ कि आपको यह डिटेल में समझ में आया है और पसंद भी आया है। अगर आपको यह प्लान पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी यह प्लान शेयर करने की कोशिश ज़रूर करें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो इस टाइप में यह सिंपल सा प्लान था, हमारे दोस्त के लिए हमने बनाया था, सूर्यकांत घुके जो मेकर से बिलोंग करते हैं। इसका डिटेल मैं आपको समझाने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, मैं इसका डिटेल 3D फ्रंट एलिवेशन का मेजरमेंट सहित आपको डिटेल बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ कुछ दिन इंतज़ार कीजिए। तो अभी आपने इस वीडियो को देखने के लिए आपका जो कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।